आपके पास भी एक 10 से 12 साल पुराना लो एंड पीसीएल लैपटॉप है, आप फ्री फायर खेलना चाहते हैं बट आपका फ्री फायर है कि चलता ही नहीं है, लैग करता है, तो घबराने की कोई बात नहीं, आपका भाई आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। तो हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो वेल गाइस, जो आज का वीडियो होने वाला है वो खासकर फ्री फायर लवर्स के लिए होने वाला है। अगर आप फ्री फायर गेम अपने पीसी या लैपटॉप पे खेलना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा लैग करता है ना, आपका पीसी का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी पुराना है, मतलब एकदम गया से गया गुजरा आपका पीसी या लैपटॉप है, फिर भी आप उसमें फ्री फायर खेल सकते हैं। 1GB रैम या 2GB रैम है और ग्राफिक कार्ड नहीं भी है तो भी आप फ्री फायर आराम से खेल सकते हैं। तो वेल गाइस, पहले बता दूं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, हर एक स्टेप आपको फॉलो करना, तभी जाके आप फ्री फायर खेल पाओगे। एंड जितने भी नेसेसरी फाइल्स के लिंक है आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। भी प्रॉब्लम आता तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड हाँ दोस्तों, एक जरूरी घोषणा, अभी मोन्टाज में इंटरेस्ट रखते हैं और मोन्टाज को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए JSR गेमिंग को, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अपना जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं दिखा देना चाहता हूँ। सो वेल गाइस, यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट मेरा, यहाँ पर मेरा प्रोसेसर जो है लैपटॉप मैंने 2013 या 2012 को लिया था, तो काफी पुराना लैपटॉप है। नाम के लिए 4GB रैम है लेकिन ये काम 2GB के आसपास करता है, तो काफी पुराना है। अगर आपके पास 2GB या 1GB वाला रैम वाला लैपटॉप या पीसी है तो उस बिल्कुल आप आराम से फ्री फायर अपने लो एंड पीसी या लैपटॉप पे खेल सकते हो। एंड ग्राफिक कार्ड के नाम पे दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ इंटेल SD ग्राफिक कार्ड है, मतलब कोई ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट मैंने यहाँ पर यूज नहीं किया है। एंड यहाँ मैं सिंपली क्लोज करता हूँ। एंड सिंपली दोस्तों, यहाँ पर आपको फोनिक्स OS को डाउनलोड कर लेना है। देखो यार, फोनिक्स OS तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे बट यहाँ पर आपको जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ सिंपली आपको वही डाउनलोड करना है, तो इसका लिंक मैं अपने वेबसाइट पे दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको फ्री फायर को भी डाउनलोड कर लेना है। अगर आप फ्री फायर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो आपका फ्री फायर रन ही नहीं करेगा, ठीक है? तो इस दोनों को डाउनलोड कर लेना, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले आपको फोनिक्स OS को डबल टैप करके ओपन करना है। फोनिक्स OS का साइज टोटल 600MB रहेगा। सिंपली आपको यहाँ पर यस करना है। एंड जैसे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा। सिंपली आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जिस भी डायरेक्टरी पे आप फोनिक्स OS को इंस्टॉल करना चाहे, तो यहाँ मैं इसे डी में इंस्टॉल कर रहा हूँ। एंड सिंपली यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ। एंड यहाँ जैसे ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपना स्टोरेज कितना रखना है, तो यहाँ पर मैं 32GB नहीं सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मेरे को कुछ उतना इंस्टॉल नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ 16GB का यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। इंस्टॉल में क्लिक करता हूँ। सो वेल गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा फोनिक्स OS है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल होना चालू हो चुका है। वाइल इंस्टॉलेशन आपका यहाँ पर जो कंप्यूटर है वो रिस्टार्ट होगा, तो घबराना मत। एंड यहाँ पर आपको अब कुछ नहीं करना है, सिंपली हम इसे इंस्टॉल होने देते हैं। Okay, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा फोनिक्स सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, तो सिंपली यहाँ पर अभी आपको रिस्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है एंड आपका जो पीसी या लैपटॉप है वो ऑटोमेटिकली ही रिस्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों को कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। प्लीज अपना पीसी या लैपटॉप शट डाउन ना करें वाइल दिस ये प्रोसेस हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा फोनिक्स OS इंस्टॉल हो रहा है, मतलब जो भी आगे का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है, तो प्लीज इस दौरान आप प्लीज अपने पीसी या लैपटॉप को बंद ना करें, तो इस प्रोसेस को एज यूजुअली होने दे। इसे होने में भी आपका दोस्तों 5-10 मिनट ले सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा फोनिक्स OS है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है अपने पीसी या लैपटॉप पे। तो अब भाई आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। सिंपली आपको लैंग्वेज पे यहाँ पर आपको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। एंड यहाँ पर आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन रहेगा, सिंपली यहाँ का आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एंड इसे आपको यहाँ से स्किप कर लेना है, अभी हम वाईफाई कनेक्ट नहीं करेंगे, सिंपली स्किप एनीवे कर लेना आपको। एंड यहाँ भी आप फिनिश पे क्लिक कर लेना। फोनिक्स OS है वो सक्सेसफुली बूट ले चुका है। हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम फोनिक्स OS इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर आपका बूटिंग टाइम थोड़ा लेट ले सकता है, मतलब पूरा आपका जो भी हमारा जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो फिनिश होने में। तो जैसे कि देख सकते हैं, अब आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर अब आपको वाईफाई से अपना कनेक्ट हो जाना है। एंड सिंपली यहाँ पर आपको सेटिंग्स पे जाना है। आप डायरेक्ट वाईफाई से कनेक्ट मत करना, सेटिंग्स पे जाना। एंड यहाँ पर आपको वाईफाई का ऑप्शन मिलेगा।
एंड यहाँ से आपको कोई भी जो भी अपना वाईफाई है उसमें आपको कनेक्ट हो जाना, तो फटाफट से यहाँ पर मैं कनेक्ट हो जाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने को वाईफाई का कोई भी एरर देखने को नहीं मिला। अपना जो पुराना फोनिक्स ओएस था उसमें अपने को बहुत सारे ग्लिचेस एंड बहुत सारे बग्स देखने को मिलते थे, तो यहाँ पर आपको जो भी एरर आपको मेजर एरर फेस करने को मिलता था फोनिक्स ओएस में, यहाँ पर वो सभी फिक्स हो चुका है। सिंपली हम यहाँ से कट करते हैं। क्या करना है, अभी माई कंप्यूटर पर अपने को चलना है एंड जहां कहीं भी आपने अपना फ्री फायर वाली फाइल को डाउनलोड करके रखा था जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। सो वेल, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला फाइल आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। वो डीकंप्रेस करना है यहां से, तो सिंपली आपको इसी ड्राइव पे आप डीकंप्रेस कर लेना एंड इसे डीकंप्रेस होने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता दोस्तों, तुरंत हो जाएगा। बट आप यहाँ पर प्ले स्टोर से डाउनलोड मत करना। अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो यहाँ पर आपका फ्री फायर बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पर जो हमारा फाइल सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो चुका है, अब हमें सिंपली सर्च करना है अपने फाइल को, ये रहा। तो सिंपली हम इसे ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर आपको एपीके मिलेगा। सबसे पहले आपको एपीके को यार ओपन कर लेना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एपीके को इंस्टॉल कर लेना दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एपीके सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली आपको यहाँ से डन पे क्लिक करना है एंड ये एंड्रॉइड वाले फोल्डर को आप में जाना है। अब ये जो ओबीबी फाइल है सिंपली आपको इसे यहाँ से कट कर लेना है, ये आप कॉपी भी कर सकते हैं, तो सिंपली यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड अब आपको जाना है मेन स्टोरेज पे, ठीक है। यहाँ पर आपको एंड्रॉइड मिलेगा एंड सिंपली जो आपने कॉपी किया था सिंपली यहाँ पर आपको इसे पेस्ट कर दे। सो वेलके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा ऑलमोस्ट सभी काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम सिंपली हमें गेम को ओपन करना है बात ये लगी दोस्तों कि यहाँ पर आपको की मैपिंग करने का कोई भी नीड नहीं, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका जो की मैपिंग है वो हो जाता है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ हमारा गेम लोडिंग ले रहा है। तो यहाँ पर हमारा फ्री फायर सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, तो यहाँ से मैं थोड़ा साउंड को कम कर लेता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फ्री फायर सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, तो यहाँ से आप किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं, बट यहाँ मैं एज अ गेस्ट लॉगिन कर रहा हूँ। आपका फिर भी अगर लैग कर रहा है आपका फ्री फायर आपके इसमें, तो सिंपली आपको सेटिंग्स पे आना है एंड ग्राफिक्स क्वालिटी को दोस्तों यहाँ पर आपको स्मूथ में कर लेना है, बाई डिफॉल्ट स्टैंडर्ड पे रहेगा। तो अगर आप स्टैंडर्ड पे कर लेते हो तो भैया आपका अब फ्री फायर मक्खन जैसा चलने वाला है आपके 1 GB या 2 GB रैम वाले पीसीएल लैपटॉप पे। ओके, तो गाइस सिंपली हमें स्टार्ट पे क्लिक करना है एंड चलिए एक मैच खेल के देखते हैं, देखते हैं कैसा हमारा गेम चल रहा है। एंड वेल, जैसे कि आप देख सकते हैं यार यहाँ हमारा जो गेम है वो लॉबी में तो लैग नहीं कर रहा है भाई साहब, एकदम मक्खन जैसा चल रहा है अपना गेम, कोई लैगनेस अपने को यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ माउस भी हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जो सेंसिविटी है आप अपने हिसाब से जो सेंसिविटी रखना चाहे रख सकते हैं, बट मैं हाईली प्रेफर करूंगा कि बाय डिफॉल्ट जैसा रहेगा दोस्तों उसी को आप ज्यादा मतलब जाएं, अपने से कोई उंगली ना करें। ओके, तो फटाफट से हम यहाँ जंप करते हैं एंड अभी भी यहाँ पर मेरे कोई भी लैगनेस देखने को नहीं मिल रहा है यार। यहाँ हमारा गेम बहुत ही ऑसम चल रहा है एंड बहुत ही स्मूथली चल रहा है। तो वेल दोस्तों, बस आज की वीडियो बस यही था कि कैसे वह फ्री फायर अपने लो एंड से लो एंड पीसी या लैपटॉप पे खेल सकते हैं वो बिना परेशानी के। मैं फिर बता दूं कि फोनिक्स ओएस एंड फ्री फायर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरे वेबसाइट से ही जाके डाउनलोड करें। एंड अगर आपको ऐसा कोई भी इंक्वायरी है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों कि टीम जेएसआर के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, उनका भी चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि मैं मिलता हूं एक और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।